यूट्यूब चैनल इंडियन इन हॉलैंड। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ आपके सामने एक और नया वीडियो लेके। जैसे कि आपने मेरे पुराने व्लॉग में देखा होगा, हमने आपको यहाँ के श्री दुर्गा टेंपल की विजिट कराई थी, वैसे यहाँ पे रोटरडैम में गुरुद्वारा भी है, सोचा उस पर भी एक वीडियो बनाई जाए। तो आज आपको वहाँ के विजिट कराते हैं कि वहाँ पे कैसा बना हुआ है और कैसा देखने में लगता है। तो आइए हमारे साथ। तो आपको आज ले चलते हैं यहाँ का रोटरडैम का गुरुद्वारा, दिखाएंगे कैसा होता है। यहाँ पर हमारे पतिदेव रास्ता देख रहे हैं फ़ोन पे, मैप के सहारे हम लोग जा रहे हैं। वैसे इनको रास्ता पता है, उसके बावजूद ये फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंफ्यूज ना हो जाए। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ से, नेचर कितना अच्छा है और धूप भी निकला है। अब इन्होंने फ़ोन ले लिया, अब ये हमें कैप्चर कर रहे हैं, ये हमको फॉलो कर रहे हैं, हम आगे आगे जा रहे हैं क्योंकि हमको रास्ता याद नहीं है तो हम फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं। आज वैसे प्रॉपर समर डे था तो हम लोगों ने जैकेट नहीं ली है। हम पीछे देख रहे हैं कि ये आ रहे हैं या पीछे से ही गायब हो गए हैं, कहीं और ही निकल लिए। तो यहाँ के घर आप देख रहे हैं, ये जो घर दिख रहे हैं ये आपको बहुत पुराने घर हैं, ईंट भी इनकी पुरानी हो चुकी है। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं गुरुद्वारा फाइनली। तो राइट साइड में ये ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये है हमारा गुरुद्वारा। उसके जस्ट सामने फाउंटेन लगा हुआ है, छोटी सी केनाल बनी हुई है झील टाइप की, बहुत ही सुंदर व्यू है। ये देखिए आप लोग कितना अच्छा लग रहा है, ये फाउंटेन चल रहा है। आज वैसे हवा भी नहीं चल रही है तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ये छोटी सी झील। इसके जस्ट सामने ये है हमारा गुरुद्वारा सिख टेंपल रोटरडैम का। आइए आपको अंदर से पूरा व्यू दिखाते हैं कि अंदर कैसे बना हुआ है। तो आइए आपको अंदर लेके चलते हैं, यहाँ से हमारी एंट्री होती है। और ये देखिए यहाँ पर शूज़ रखे हुए हैं, यहाँ पे जब भी एंट्री होती है तो यहाँ पे जूते उतार के यहाँ किनारे रख दिए जाते हैं। जो लोग अपनी जैकेट पहन के आते हैं वो साइड में ऐसे जैकेट टांग देते हैं। उसके बाद हैंड वॉश करके हम लोग सर पे ये दुपट्टा बांध लेते हैं, क्योंकि मंदिर गुरुद्वारा या कहीं भी आप अगर पूजा पाठ स्थल में जाते हैं तो वहाँ पर सिर खोल के नहीं जाते हैं। तो पतिदेव हमारे बांध रहे हैं हमारे सर पर, तो अब वो अपने सर पर भी बंधवा रहे हैं ताकि सर ढक जाए तो अंदर जा सकें। खुशी देखो जनाब की। उसे 4 बजे सुखी साहब का पाठ आरंभ किया जाएगा, 5:30 बजे फिर रैरा साहब जी का पाठ होगा, उस तो बाद भाई मनजीत सिंह के भाई गुरमीत सिंह जी जगह से डॉक्टर उसे खुश हो जाना। सोलर पैनल चलवाने से ये तो बहुत ही ज़्यादा काम से तकरीबन 2-3 हफ्ते लगे रहे हैं, उन्होंने बहुत अनथक सेवा की थी। तो यहाँ पर हमारे लंगर की पूरी व्यवस्था है, यहाँ पे लोग बैठ जाते हैं, उसके बाद सब कुछ इनको बैठे बैठे ही दिया जाता है। बट कहीं कहीं हम लोग लेते हैं खड़े होके, बट यहाँ पे आपको थाली सारा खाना आपको बैठे बैठे ही मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे बर्तन धुले जा रहे हैं और यहाँ पे सारे भाई हमारे बर्तन धुल रहे हैं, यहाँ पे कुछ डिस्कशन हो रहा है, यहाँ हमारी माताएँ खाना खा रही हैं और उसके सामने जस्ट किचन है, हमारे पतिदेव भी खा रहे हैं। तो आज का जो भोजन था उसका वीडियो हम कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि बहुत रश था,
बाद में कम हो गई भीड़। बट यहाँ पे दाल चावल, मीठे वाले चावल भी बने थे, रोटी रायता सैलेड, इतना था खाने में और बहुत टेस्टी था। तो यहाँ पे ये छोटा सा स्टोरेज इन लोगों ने दिया हुआ है, छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है अंदर से। और ये यहाँ पे बर्तनों की बर्तन धुले जा रहे हैं, अंकल धुल रहे हैं, ये हमारे अंदर भाई भी धुल रहे हैं। यहाँ पे जिसको जो भी सेवा लेनी है वो अपना खुद बोल देता है कि हमें ये सेवा लेनी है, तो वो ले लेते हैं। यहाँ पे हमारी दादियाँ जितनी भी बैठी हुई हैं वो छोला दाल वगैरह साफ़ करके डब्बे में भर के रख देती हैं। और ये हमारा किचन है अंदर, जहाँ पे माताएं सारी रोटियाँ सेक रही हैं, गरम गरम, बिल्कुल गरम गरम खाना मिलता है और बहुत टेस्टी लगता है। तो आप देख रहे हैं अंदर कितनी सारी माताएं हैं जो गरम गरम रोटियां सेक रही हैं, बाहर जो लोग भोजन कर रहे हैं उनको देने के लिए। हमारा आज का वीडियो आई होप आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। जैसे कि मेरे पुराने व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, नीदरलैंड से जुड़े आपको काफी वीडियोस दिखाए हैं, तो आगे भी दिखाते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीदरलैंड का गुरुद्वारा आपको कैसा लगा? मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।